चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिस दिन एक भी शुगर फैक्ट्री मुजफ्फरनगर की चलेगी, किसान उसी दिन पुराना फैक्ट्री का किसान अपने खेत में छोड़ लगाए और डीएम के यहाँ पर गन्ने की तोल होगी। यहाँ के अधिकारी भी दबाव देकर मुकदमे लिख के बीजेपी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। एक आंदोलन, एक संघर्ष यहाँ पे होगा इस मुजफ्फरनगर में। एक साल ये फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी, दूसरी जगह आपका गन्ना चला जाएगा। या तो ये सुधरेंगे, पैसा देंगे, और पैसा नहीं देंगे तो फैक्ट्री को गन्ना नहीं। मैं आदरणीय सम्मानित किसानों, हमारे नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, देखो मुद्दा बहुत कैड़ा है। मुद्दा कुर्बानी मांगता है फसलों की। हाथ में हमारे भी कुछ नहीं है, लेकिन हाथ में ये है भाई, किसान को चाहिए भुगतान। यहां पे 100 दिन के आसपास हो गए किसान बैठे हुए हैं, और हालात इनकी देने की भी नहीं है। इसलिए बुलवाए ये कि 120 करोड़ रुपए में से जो नगद है 220, उसमें से 20 करोड़ देने की बात करी है, 200 फिर भी दे रहा। एक साल इस फैक्ट्री का इलाज करना पड़ेगा, एक साल। 18 तारीख तक लखनऊ की मीटिंग है, अपना तय कर ले। अगर 18 तारीख तक आप संतोषजनक इनका भुगतान कर लोगे तो एक किसान सोच लेगा, नहीं तो एक संघर्ष यहां पे होगा। फैक्ट्री के परमानेंट आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी फैक्ट्री के गेट पे। ध्यान से सुन लो भाई, आपका गन्ना का डाइवर्जन लखनऊ से नहीं होता, ये भी ध्यान से सुन लेना। वो होता है डीएम के ऑफिस में से। जो संगठन के वफादार होंगे, जो किसानों के साथ होंगे, जिस दिन एक भी शुगर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की चलेगी, ध्यान से सुन लेना, जिस दिन एक भी शुगर फैक्ट्री मुजफ्फरनगर की चलेगी, किसान उसी दिन पुराना फैक्ट्री का किसान अपने खेत में छोड़ लगाए और डीएम के यहां पर गन्ने की तोल होगी। ये भी फैक्ट्री को पहले चलाएंगे। यहां पे घोषणा हो रही है 18 तारीख के बाद में फिर घोषणा करेंगे हम, 20 तारीख में फिर यहां पर रहेंगे, 21 तारीख में रहेंगे, 21 तारीख को फिर हम बाहर चले जाएंगे 12 दिन के लिए। यहां पे फिर निर्णय ले लेना, हम आएंगे गेट का वेल्डिंग लगवा कर जाएंगे, यहां पे घोषणा करके जाएंगे, गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी जो इस फैक्ट्री को समझौता तोड़ के गन्ना देगा, ये समझ लेना कि उसका भुगतान इस फैक्ट्री ने किया है। जो भाई उस आदमी ने इस फैक्ट्री का उसने भुगतान लिया है, जो समझौते को तोड़ के गन्ना देगा, आपका पूरा गन्ना जाएगा यहां से। पूरा कई फैक्ट्री का गन्ना इस क्षेत्र से जाता है, या तो आपका गन्ना भी जाएगा, नहीं तो यहां पे बैरिकेडिंग भी लगेगी, पूरा किसान आपके साथ रहेगा, लेकिन गन्ना तोलना पड़ेगा डीएम के ऑफिस में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वहां पे एक मीटिंग थी पिछली बार, जब वहां पे मीटिंग चल रही थी, वहां करीब 12 के आसपास आईएएस अधिकारी थे वहां पे। गन्ने की भी समस्या थी,
जब वहां पे बातचीत होने लगी, हमने कहा जी गन्ना, उन्होंने कहा कि पूरा गन्ना किसान का लिया जाएगा। लास्ट डे का टाइम था, हमने कहा जी गन्ना तो पूरा चला जाएगा, गन्ने की कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना दो जगह जाता है, तो एक अधिकारी ने बहुत जल्दी कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद हो जाइए। उसने कहा जी हाँ, एक गन्ना शुगर मिल में जाता है, दूसरा गन्ना क्रेशर में जाता है। हमने कहा कि ना इसको ज्ञान नहीं, गन्ना एक जाता है शुगर फैक्ट्री में, दूसरा गन्ना जाता है डीएम के ऑफिस में। जिस दिन किसान डीएम के ऑफिस में गन्ना ले जाना भूल जाएगा, आप लोग डीएम के ऑफिस में गन्ने ले जाने भूल गए, ये हालात जब पैदा हुए है, नहीं तो हालात पैदा ही होती नहीं। तो आपके पास में भी, अधिकारियों के पास में भी, क्योंकि यहाँ के अधिकारी भी बेलगाम हो रहे हैं, यहाँ के अधिकारी भी प्रेशर में लेना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारी भी दबाव देकर मुकदमे लिख के बीजेपी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ये पूरा एजेंडा है, यहाँ की पूरी सरकार की पॉलिसी है कि यहाँ पे खाप पंचायत मजबूत है, इन खाप पंचायतों को तोड़ा जाए आपस में, ये बीजेपी के एजेंडे में है, सरकार के एजेंडे में है। हमें नहीं मतलब या पार्टी किसकी होगी, किसको वोट जाएगी, हम सिर्फ किसान की बात करेंगे। एक आंदोलन, एक संघर्ष यहां पे होगा इस मुजफ्फरनगर में। ये मुजफ्फरनगर क्रांति की धरती रही है, जब जब भी यहां पे छेड़खानी हुई, जब जब भी अधिकारी बेलगाम हुए, उनका मुकाबला हुआ है यहां पे। यहां पे बहुत दिन से आंसू गैस के गोले नहीं चले, बहुत दिन से यहां पे टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक आंदोलन होगा जिस दिन आप यहां पे वेल्डिंग करने आएंगे, जिस दिन यहां पे इसको पूरे प्लांट को आप बंद करोगे, यहां से कर्मचारी को क्योंकि इनका जो काम है वो रोकना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री को बंद करना है तो जिनको वर्क है वो पूरा का पूरा रोकना पड़ेगा, और गन्ना डाइवर्ट की लड़ाई आपको मजबूती के साथ में लगनी पड़ेगी। अधिकारी है यहां पे, गन्ना अधिकारी है, इनको जवाब दे दीजिए। 18-19 तारीख तक आपके पास में समय है, 15-20 दिन आपके पास में है। यहां के लोगों को आप कैसे संतुष्ट करोगे, वो कर लो, हम आपके साथ में है। क्योंकि पिछली बार का जो दाग है, जो टिकेट साहब पे खाप चौधरी पे यहां पर गया, आप पूरे रिश्तेदारी में घूमते हो, आप पूरे गांव देहात में घूमते हो और सब जगह कहते हैं कि धरना उठवा दो। टिकेट साहब आपके धरने में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वे आएंगे तो कहना पड़ेगा कि भाई बात कर दो, हम आपके साथ में हैं, आपसे एक कदम आगे होकर चलेंगे। जो क्षेत्र के लोग चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन गद्दारों की पहचान कर लेना। एक कुर्बानी कुछ महीने की देनी पड़ेगी आपका गन्ना। हो सकता है कि अर्थव्यवस्था फैले, आपका गन्ना अक्टूबर की बजाय नवंबर और दिसंबर में जाना शुरू हो, लेकिन गन्ना जाएगा, गन्ना जाएगा। ये फैक्ट्री बंद होगी, गन्ना आपका जाएगा और दूसरी फैक्ट्री में जाएगा। आजकल भुगतान ठीक हो रहे हैं, एथनॉल की पॉलिसी बढ़ी आ रही है, ये देना नहीं चाहते। इनकी 16 फैक्ट्रियां है, इन्हीं के साथ में कुछ और ग्रुप है, लेकिन एक का इलाज कर लोगे तो अगले का इलाज अपने आप हो जाएगा। और ब्रेम अरबानी कर गए वे लोग भी, भाई जो दिल ने के खिलाफ जाएंगे, जो यहां पे दिल ना होगा, अगर यहां पे तालाबंदी होती है तो ये नहीं कि आप कोई भी आदमी आकर उसको ताले को खुलवा के काम कर देगा। पहले भी इस तरह की हरकतें यहां पे हुई है, तालेबंदी जैसे तालेबंदी लगेगी, सबकी सहमति से तालेबंदी अगर खोलनी होगी तो सबकी सहमति होगी। अगर एक आदमी कोई तालेबंदी खोलने का काम करेगा तो गद्दारों की लिस्ट में पहला नाम उसका होगा। हम आपके साथ में है, इस क्षेत्र के साथ में है, आपसे आके वेल्डिंग मशीन लेकर आएंगे, वेल्ड करके जाएंगे, इतना रास्ता छोड़े, प्रशासन की देखरेख में कि इनको चिन्नी अगर ले जानी है तो ले जा सकता है, काम नहीं होंगे, काम बंद करना पड़ेगा इनका।
एक साल ये फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी, दूसरी जगह आपका गन्ना चला जाएगा, या तो ये सुधरेंगे पैसा देंगे, और पैसा नहीं देंगे तो फैक्ट्री को गन्ना नहीं, पैसा नहीं तो गन्ना नहीं। इसी नारे के साथ में आपका सबका धन्यवाद जो लोग यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर आए, मतलब एक अत्याचार है किसान के साथ। अगर कोई किराया भाड़ा करता है तो उसको किराया तुरंत मिल जाता है, लेकिन किसान अपना गन्ना लेकर आ रहा है, डीजल अपने घर से फूंक रहा है, और दो साल में उसका किराए का भी भुगतान दो साल में। ये किसान लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इसको तो संघर्ष करना है। आने वाले टाइम पे सरकार के खिलाफ भी संघर्ष होंगे। बिजली का भी बड़ा इशू है, बिजली के अधिकारी भी बेलगाम हो रहे, चकबंदी विभाग की आपका टूट गया, उसके जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे वो एसडीएम और इनके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे प्रशासनिक, उसमें तो चकबंदी विभाग भी धीरे धीरे आपका खत्म हो रहा, क्योंकि रोजगार ये सरकार देगी नहीं। अनक्षरों का क्या हाल है वो आप जानते ही हो, लेकिन अनक्षरों का हाल भाई पॉलिटिकल जो विपक्ष वाले उन्होंने कर दिया है। इस किसान का इलाज आपको आत्मा हलाते नहीं, किसान को आज्ञा कर सकते हैं, वोट आठ वही जिसकी समझ में आओगी अपना दे दियो, कहा तो वोट का कोई टाइम लेने का ही नहीं, अब ना उसकी जरूरत यहां पे है। अब तो भाई बीजेपी में शामिल हो जाओ और सर्टिफिकेट एसडीएम साहब और डीएम साहब दे देते हैं, जितना अपना संघर्ष करना पड़ेगा। छोटा पशु की तो योजना मुख्यमंत्री जी के आगे बढ़िया, उनके आगे के थाने में पूरा फंड आया हुआ है, थाने में पशुओं को छोड़ जाओ वो बड़ी गौशाला में थानेदार उसको भिजवा देगा, मुख्यमंत्री जी की योजना है तो बढ़िया योजना, ठीक है। पुलिस स्टेशन में छोड़ जाओ तो थानेदार उसको बड़ी गौशाला में बड़ी जगह उसको छोड़ जाओगे, तो सारे इशू है। आज यहाँ का बड़ा इशू ये है तो भाई उसकी तैयारी कर लेना, गद्दारों की लिस्ट जो पहले देखा होगा समझते वो दौड़ के ये मानना के भुगतान हो रहा उसका, नहीं तो अपने घर पर आइयो भाई। जब आंदोलन चला 13 महीने तो हमने हरियाणा में कह दिया राजस्थान में कि भाई एक फसल की कुर्बानी चाहिएगी, तो लोगों ने हरे फसल जो गेहूं थे वो बहुत मुश्किल में रोकना पड़ा, हजारों एकड़ गेहूं में ढेरों चला दी, बहुत मुश्किल से रुके लोग, तो यहाँ पे तो खेत में आपके खड़ा हुआ है इसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका यह गारंटी है कि सारा गन्ना जाएगा, ये गारंटी है। गन्ना डीएम के यहाँ लेकर आना पड़ेगा, जैसे आज लेकर आए, जिस दिन आपका गन्ना ट्रोली भरकर डीएम के यहाँ आ जाएगा वही अपना बिस्तर ट्रोली के ऊपर ही रुकना, भैया तो गन्ना तुलेगा, अरे आप फिर शहर जाम हो गए, अपना खाना पीने का राशन गन्ना ट्रोली में उसके ऊपर रहने का बिस्तर, तो ये कोर्स आपका 8 दिन का रहेगा, 8 दिन ये गन्ने का संघर्ष आपका चलेगा। और तारीख हम बताएंगे, तारीख भी देंगे, समय भी देंगे, हम भी यही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम लग रहे 12 अक्टूबर तक के प्रोग्राम लगे हुए, हम बाहरी बाहर रहेंगे, आज के गए हुए 11 तारीख में आएंगे, 12 के गए हुए 15 में आएंगे, और 16 के गए हुए 19 और 20 में आएंगे, और 21 के गए हुए फिर जाकर 4 में आएंगे, और 7 के गए हुए फिर 12 में आएंगे, और 12 के बाद में दिन लग गया, 12 के बाद में संघर्ष होगा, ठीक है जी। आपका धन्यवाद, और धरना बाद धर